जी की पहली कथा। पौराणिक एवं प्रचलित श्री गणेश कथा के अनुसार एक बार देवता कई विपदाओं में घिरे थे। तब वह मदद मांगने भगवान शिव के पास आए। उस समय शिव के साथ कार्तिकेय तथा गणेश जी भी बैठे थे। देवताओं की बात सुनकर शिव जी ने कार्तिकेय और गणेश जी से पूछा कि तुम में से कौन देवताओं के कष्टों का निवारण कर सकता है। तब कार्तिकेय और गणेश जी दोनों ने ही स्वयं को इस कार्य के लिए सक्षम बताया। इस पर भगवान शिव ने दोनों की परीक्षा लेते हुए कहा कि तुम दोनों में से जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा वही देवताओं की मदद करने जाएगा। भगवान शिव के मुख से यह वचन सुनते ही कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल गए। परंतु गणेश जी सोच में पड़ गए कि वह चूहे के ऊपर चढ़कर सारी पृथ्वी की परिक्रमा करेंगे तो इस कार्य में उन्हें बहुत समय लग जाएगा। तभी उन्हें एक उपाय सुझा। गणेश अपने स्थान से उठे और अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा करके वापस बैठ गए। परिक्रमा करने के बाद कार्तिकेय स्वयं को विजेता बताने लगे। तब शिव जी ने श्री गणेश से पृथ्वी की परिक्रमा ना करने का कारण पूछा। तब गणेश जी ने कहा, माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक है। यह सुनकर भगवान शिव ने गणेश जी को देवताओं के संकट दूर करने की आज्ञा दी। इस प्रकार भगवान शिव ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि चतुर्थी के दिन जो तुम्हारी पूजा करेगा और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ देगा उसके तीनों ताप यानी दैहिक ताप, दैविक ताप तथा भौतिक ताप दूर होंगे। इस व्रत को करने से व्रतधारी के सभी तरह के दुख दूर होंगे और उसे जीवन के भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। चारों तरफ से मनुष्य की सुख समृद्धि बढ़ेगी। पुत्र पौत्रादि धन ऐश्वर्य की कमी नहीं रहेगी। गणेश चतुर्थी की दूसरी कथा। एक समय की बात है कि राजा हरिश्चंद्र के राज में एक कुम्हार था। वह मिट्टी के बर्तन बनाता लेकिन वे कच्चे रह जाते थे। एक पुजारी की सलाह पर उसने इस समस्या को दूर करने के लिए एक छोटे बालक को मिट्टी के बर्तनों के साथ हवा में डाल दिया। उस दिन संकष्टी चतुर्थी का दिन था। उस बच्चे की माँ अपने बेटे के लिए परेशान थी। उसने गणेश जी से बेटे की कुशलता की प्रार्थना की। दूसरे दिन जब कुम्हार ने सुबह उठकर देखा तो हवा में उसके बर्तन तो पक गए थे लेकिन बच्चे का बाल बाका भी नहीं हुआ था। वह डर गया और राजा के दरबार में जाकर सारी घटना बताई। इसके बाद राजा ने उस बच्चे और उसकी माँ को बुलवाया तो माँ ने सभी तरह के विघ्न को दूर करने वाले संकष्टी चतुर्थी का वर्णन किया। इस घटना के बाद से महिलाएं संतान और परिवार के सौभाग्य के लिए संकट चौथ का व्रत करने लगी। गणेश जी की तीसरी कथा इस प्रकार है। एक समय की बात है कि विष्णु भगवान का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारी होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया। कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। तभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सबने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को नहीं न्योता गया है या स्वयं गणेश जी ही नहीं आए हैं। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार किया कि विष्णु भगवान से ही इसका कारण पूछ लिया जाए। विष्णु भगवान ने पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते हो तो अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना खाना अच्छा नहीं लगता है। इतनी वार्ता कर ही रहे थे कि किसी एक ने सुझाव दिया, यदि गणेश जी आ भी जाए तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे कि आप घर की याद रखना। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। यह सुझाव भी सबको पसंद आ गया तो विष्णु भगवान ने भी अपनी सहमति दे दी। होना क्या था कि इतने में गणेश जी वहां आ पहुंचे और उन्होंने समझा बुझाकर घर की रखवाली करने बैठा दिया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं तो वे गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे, विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूसक सेना को आगे भेज दे।
तो वह रास्ता खोद देगी जिससे उनके वाहन धरती में धस जाएंगे। तब आपको सम्मान पूर्वक बुलाना पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूसक सेना जल्दी आगे भेज दी और सेना ने जमीन पोली कर दी। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धस गए। लाख कोशिश करने पर पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए परंतु पहिए तो नहीं निकले बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब तो नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मना कर लाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट टल सकता है। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया। तब कहीं रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए निकल तो गए परंतु वे टूट फूट गए तो उन्होंने सुधारे कैसे। पास के खेत में खाली काम कर रहा था उसे बुलाया गया। खाती अपना कार्य करने के पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब खाती कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया और न ही उनकी पूजन की होगी, इसीलिए तो आपके साथ यह संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी है फिर भी अपने गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवतागण है फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए। अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जयकार बोलकर जाए तो आपके सब काम बन जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहां से चल दी और विष्णु भगवान का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न करा के सभी सकुशल घर वापस आ गए। हे गणेश जी महाराज, आपने विष्णु जी को जैसे कार्य सिद्धि किए वैसे सबका कार्य सिद्ध करे। बोलिए गजानन भगवान की जय। चौथी कथा, श्री गणेश चतुर्थी व्रत की। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव तथा माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। वहां माता पार्वती ने भगवान शिव के समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। शिव चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उनके समक्ष उठा। तो भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित कर उसका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा, बेटा हम चौपड़ खेलना चाहते हैं परंतु तुम्हारी हार जीत का फैसला करने के लिए तुम ही हो, इसलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का चौपड़ खेल शुरू हो गया। यह खेल तीन बार खेला गया और संजोग से तीनों बार माता पार्वती ही जीत गई। खेल समाप्त तो होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया तो उस बालक ने महादेव को विजयी बताया। यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गई और उन्होंने क्रोध में बालक को लंगड़ा होने कीचड़ में पड़े रहने का साप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से माफी मांगी और कहा कि यह मुझसे अज्ञानता बस ऐसा हुआ है, मैंने किसी द्वेष भाव से ऐसा नहीं किया है। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता ने कहा, यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। यह कहकर माता पार्वती शिव के साथ कैलाश पर्वत पर चली गई। एक वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आई। तब कन्याओं ने श्री गणेश के व्रत की विधि मालूम करने पर उस बालक ने 21 दिन लगातार गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को मनोवांछित फल मांगने के लिए कहा। उस पर उस बालक ने कहा, हे विनायक, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वे सब प्रसन्न होकर मुझे देख सके। तब बालक को वरदान देकर श्री गणेश अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर्वत पहुंचने की अपनी कथा उसने भगवान शिव को सुनाई। चौपड़ वाले दिन से माता पार्वती शिव जी से विमुख हो गई थी, अतः देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक श्री गणेश का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन में भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वह समाप्त हो गई। तब यह व्रत विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई। यह सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिन तक श्री गणेश का व्रत किया तथा दुर्वा फूल और लड्डुओं से श्री गणेश जी का पूजन अर्चन किया।
व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती से आ मिले। उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी का यह व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत माना जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर होकर मनुष्य को समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। बोलिए गणेश भगवान की जय। वक्र तुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ निर्विघ्नम कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। भगवान शिव के पुत्र गणेश जी सिर्फ गणों के नायक नहीं है बल्कि लोक देवता है। उन्हें उत्तर दिशा का लोकपाल निर्धारित किया गया है। इसके अलावा उन्हें प्रथम पूज्य का दर्जा भी प्राप्त है। अन्य सभी देवताओं के लिए उनको पुराणों के कथाएं मिलेगी, लेकिन गणेश जी ऐसे देवता हैं जो कि न सिर्फ पुराणों में बल्कि लोक कथाओं और किंवदंतियों में भी स्थान पाए हुए हैं। उन्हें लेकर लोक मान्यताएं अधिक है। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तिथि गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। इस दिन के इस त्यौहार में गणेश स्थापना की जाती है और उनकी पूजा की जाती है। हालांकि चतुर्थी का व्रत हर माह होता है, जिसकी एक कथा बहुत प्रसिद्ध है। यह कहानी एक बूढ़ी माँ की गणेश भक्ति की है। कहते हैं कि बूढ़ी माँ गणेश जी की रोज पूजा करती थी। पूजा में उनका नियम था कि वह हर रोज पूजा के लिए माटी के गणेश बनाती थी और उन्हें भोग और जल देती थी। वह नन्हे बालक की तरह उनकी देखभाल करती थी, लेकिन बूढ़ी अम्मा की यह समस्या थी कि वह हर रोज जब गणेश जी को मिट्टी से बनाती थी, फिर भोग उपटन पानी स्नान आदि कराती थी, तो इतने में गणेश जी गल जाते थे। बेचारी माई किसी तरह अपनी पूजा कर पाती थी। एक दिन बूढ़ी माई के घर के सामने एक सेठ जी की हवेली बनने का काम लगा। बूढ़ी माई को विचार आया कि इन्हीं कारीगरों से कहकर वह बड़ी मूर्ति बनवा ले तो गणेश जी ठीक से उपटन चंदन पानी हो पाएगा। बुढ़िया माई सेठ जी के मकान पर जाकर मकान बनाने वाली कारीगरों से बोली, भैया मेरे मिट्टी के बनाए गणेश जी रोज गल जाते हैं, आप मेरी पूजा के लिए पत्थर से गणेश जी बना दो, आपकी बहुत आभारी रहूंगी। कारीगर कुछ घमंड में बोला कि भाई जितनी देर में तुम्हारे लिए गणेश जी बनाएंगे उतनी देर में तो सेठ जी की चार दीवारें पूरी हो जाएगी। बुढ़िया माई दुखी हुई और अपनी कुटिया में वापस आ गई। उधर एक छोटे बालक ने भी यह सुना तो उसने कहा, क्यों माई बना दो ना गणेश जी। लेकिन कारीगर ने उस बच्चे को भी चले जाने को कहा। बच्चे ने कहा, जाता हूँ, इतना टेढ़ा बोलते हो, तुम्हारी दीवार भी टेढ़ी बनेगी। जब उधर सेठ जी की दीवार बननी शुरू हुई, लेकिन बनते बनते दीवार टेढ़ी होती जाए, दीवार पूरी करते करते शाम हो गई, लेकिन दीवार एक इंच भी खड़ी नहीं हो पाई। शाम को सेठ जी आए और पूछा कि आज हवेली बनाने की कुछ काम नहीं किया। तब मकान बनाने वाले कारीगर ने बुढ़िया वाली बात बताई। तब सेठ जी ने बुढ़िया माई से जाकर कहा, माई तुम हमारी दीवार सीधी कर दो तो हम तुम्हें सोने के गणेश बनवा देंगे। गणेश जी ने यह सुनते ही सेठ जी की दीवार सीधी कर दी। सेठ जी ने बुढ़िया माई को पूजा के लिए सोने के गणेश जी बनवा दिए। गणेश जी को पाकर बुढ़िया माई बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने कहा, हे गणेश जी महाराज, जैसे सेठ जी की दीवार सीधी की, वैसे ही कहते सुनते सभी के कार्य सिद्ध कीजिए। बोलिए गणेश भगवान की जय।